एक्सपर्ट। ये फैशन बन गया है कागजी दानिश्वरों का, जो शाम को टीवी टॉक शो में बैठते हैं, आता जाता कुछ नहीं, फलसफा बयान करते रहते हैं। निजाम खराब है, निजाम खराब है, निजाम खराब है। मैं कह रहा हूं द सिस्टम इज नॉट एट फॉल्ट, निजाम खराब नहीं है, वी आर एट फॉल्ट। वो खराब हो गए हैं जिनके सपुर्द निजाम हो गया है। ये किताब में लिखा हुआ है कि पंजाब के सारे रेस्ट हाउस पटवारी चलाएगा, ये किस किताब में लिखा हुआ है? निजाम जो कहते हो खराब है, तो ये लैंड रेवेन्यू एक्ट में लिखा हुआ है कि रेस्ट हाउस पटवारी चलाएगा? ये लैंड रिकॉर्ड मैनुअल का कोई पैरा है कि रेस्ट हाउस पटवारी चलाएगा? ये किस किताब में लिखा हुआ है कि जब जलसा होगा रूलिंग पार्टी का तो पटवारी बसें भर के बंदे लाएगा? ये किस किताब में लिखा हुआ है? ये किस निजाम का तकाजा है? सर बस आखिरी बात करके प्रैक्टिकल, मैं डीजी एंटी करप्शन था तो एक समरी आई सीएम साहब के पास, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ही उस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब थे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, एक समरी ये आई कि हर जिला में डिप्टी कमिश्नर एक रजिस्टर रखे, जो लोग पटवारी के पास, रजिस्ट्री मुहरर के पास, किसी और सरकारी एहलकार के पास आए वो उनका नाम दर्ज किया जाए, फिर उनका टेलीफोन नंबर रखा जाए और फिर उनको कोई डीसी साहब खुद या कोई सीनियर ऑफिसर फोन करे कि जी आप रजिस्ट्री मुहरर के पास आए थे, आपसे उसने पैसे तो नहीं लिए, आपका काम किया है कि नहीं, पटवारी के पास आए थे पैसे लिए, और उसके आगे रिमार्क्स में वो लिखे। और ये एक हेडक्वार्टर इसका हो सेवन क्लब रोड पर, पूरे पंजाब से शाम को ये सारी रिपोर्टें आए, ये वहां कंसालिडेट हो, और जब चीफ मिनिस्टर को कोई टाइम मिले तो उस पर वो पूरे पंजाब की ब्रीफिंग है। इस समरी के ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरे पंजाब के कमिश्नर बुलाए, डिविजनल कमिश्नर, मुझे भी बुलाया, मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मुझे नहीं पता मुझे क्यों बुलाया, उस मीटिंग में मैं भी था। तो वो कमिश्नर साहबान जी बोलते रहे, क्योंकि उधर रिवाज यह है कि वो बातें करो जो चीफ मिनिस्टर के कानों को अच्छी लगती, तो वो इसके हक में बोलते रहे, पटवारी और को रगड़ते रहे, रजिस्ट्री मुहरर को रगड़ते रहे। मुझे सीएम साहब ने कोई ना इनवाइट किया, मैंने कहा पता नहीं बुलाया तो है, मुझसे बात ही नहीं करते। आखिर पर उन्होंने मुझे कहा कि मलिक साहब आप क्या कहते? मैंने कहा सर मेरा एक नफसियाती मसला है, मैं शुगर कोटेड गुफ्तगू नहीं कर सकता, अगर कोई सख्त बात हो जाए तो पेश की माजरत। मैंने कहा सर मैं हैरान बैठा हूं कि ये कमिश्नर साहबान क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। मैंने कहा सर इस दीवार के ऊपर लिखा हुआ है पंजाब के सारे रेस्ट हाउस पटवारी चलाता है। मैंने कहा सर इस दीवार के ऊपर लिखा हुआ है कि जिला की सारी सरकारी तकरीबात का खर्चा रजिस्ट्री मुहरर करता है, मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या कह रहे। तो उन्होंने कहा मलिक साहब रुके, मैं रुक गया। उनके एक एडिशनल सेक्रेटरी होते थे इधर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर भी रहे नसीम साहब, उनको ट्रस्ट करते थे, वो साथ बैठे थे। उनसे पूछा नसीम ये बताओ ये आप ये जो डीजी साहब कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा सच कह रहे हैं। सर ये है झूठ के पलंदे, जितनी देर आप बैठे हो अनअडल्ट्रेटेड अभी आपकी सोच है, आपकी पाकीजा सोचे हैं, अभी इसमें मिलावट नहीं हुई, अभी इसमें अडल्ट्रेशन नहीं हुई। अब एट प्रेजेंट जो मैं देख रहा हूं, मेरी उम्र में मेरी तो फिजिकल लाइफ पूरी हो गई है बल्कि ओवर हो गई है, लिहाजा मुझे तो इसमें इसलाह की सूरत हाल अपनी जिंदगी में मैं तो देख नहीं रहा। अब इसकी एक सूरत है और कोई शक्ल एट प्रेजेंट नहीं प्रैक्टिकल, कि फर्द ठीक हो, फर्द जैसे जज साहब ने, फर्द आज फर्द फैसला करे कि जमाना जहन्नम में जाए ये ठीक होता है कि नहीं होता, मैं ठीक हूं। ये मेरा अलॉटेड स्फीयर है,
ये मेरा डोमेन है, इसको तो रखूंगा पाक साफ। इससे आगे क्या होता है ये मैं मार्टिन लूथर भी नहीं हूं, ना इस्लाह मुआशरा का मेरे पास ठेका है, ना मेरे जिम्मा है। ये मेरा डोमेन है, ये ठीक हो गया। आप अपने अपने डोमेन को ठीक, इस इंतजार में मैंने नेक बंदों को देखा है, बड़े बड़े नेक बंदों को इस इंतजार में देखा है कि जब जमाना ठीक होगा तो मैं ठीक होऊंगा। ये क्यामत तक नहीं होना, ये अल्लाह की शकीम में ही नहीं है, ये खैर और शर की जंग रहनी है क्यामत तक। ये आपने फैसला करना है, आपने हिजबुल्ला ज्वाइन करनी है कि हिजब शैतान ज्वाइन करनी है। और आज फैसला करें हिजबुल्ला के साथ जाना है कि हिजब शैतान की तरफ जाना है। ये वैसे तो परवरदिगार की मर्जी होती तो कौन कहता और सारे मुत्तकी हो जाते। ये तो अल्लाह के परवरदिगार की शकीम में ही नहीं है, इस शर ने रहना है। आप खड़े हो जाएं खैर के साथ, आज फैसला करें खैर के साथ, खड़े हो जाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा मसला। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। थैंक यू वेरी मच।